बारिश का मौसम, रिमझिम फुहार और गर्मा गर्म कुरकुरे पकोड़े या वड़े मिल जाए तो कितनी अच्छी बात है ना, कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है बारिश, फुहारे और गर्मा गर्म वड़े या पकोड़े। तो आज हम बनाएंगे कच्ची पपीता के वड़े जो बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी होंगे। आप ट्राई कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, न्यू है वो सब्सक्राइब कीजिए। तो वड़े बनाने के लिए सबसे पहले हमने ली है एक पपैया और इसको छील कर हम कद्दूकस कर लेंगे, इसका छिलका निकाल लेंगे अच्छी तरीके से। तो मैंने छील कर पपाया को कद्दूकस कर लिया है, ये देख सकते हैं आप। और उसमें से थोड़ी सी पपीता मैंने बचा दी थी, तीन हिस्सा ली थी, एक हिस्सा बचा दी थी। और लहसुन की 5 से 6 कलियां ली है जिन्हें मैंने कूट लिया है फलबत्ते से, एक बड़े साइज का प्याज और एक हरी मिर्च ली है। तो इन सबको हम एक बाउल में डाल लेते हैं। आप लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। अब पपाया भी डाल देते हैं इसमें, इसके बाद हम इसमें बाकी चीज़ें डालेंगे। आप लहसुन प्याज ना खाते हो तो ना डालें। अब ये देखिए, मैंने यहाँ पे इस छोटी कटोरी से 1 कटोरी बेसन लिया है और इसी कटोरी से 2 कटोरी चावल का आटा लिया है। आप चाहें तो सूजी का यूज़ भी कर सकते हैं चावल के आटे की जगह पे। और ये देखिए, हरा धनिया लिया है 1/2 कप जो मैंने काट के रखा हुआ था। इसके बाद इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा और फिर डालेंगे 1/2 चम्मच से कम अजवाइन, 1 चम्मच कसूरी मेथी और 1/2 चम्मच से भी कम मैंने लाल मिर्च पाउडर डाली है और 1/2 चम्मच हम डालेंगे चिली फ्लेक्स। इसके बाद मैंने डाला है यहाँ पे 1 चम्मच नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले, और 2 चुटकी हींग। और उसके बाद मैंने 1/2 नींबू का रस इसमें निचोड़ दिया है। नींबू के रस से बढ़िया टैंगी टेस्ट आएगा इसमें और बहुत ही बढ़िया लगेंगे ये। अब इसको मिक्स कर देना है। तो मैं इस समय हल्दी डालना भूल गई थी, अभी मैं आगे डालूंगी। और हल्दी डाल के फिर हम इसे मिक्स करके एक डो तैयार करेंगे। ये देखिए, 1/2 चम्मच मैं हल्दी डाल रही हूँ और अब मिक्स कर दूँगी। और इसमें पानी का यूज़ मैं बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, पपीते के मॉइस्चर से ही इसका ये डो तैयार हो गया है। अब हाथ पे हम ले लेंगे, लगा लेंगे पानी या फिर ऑयल और इनको वड़े का शेप हमें देना है। तो इस तरीके से हाथ में एक बॉल लीजिए और इसे उंगलियों से प्रेस करते हुए वड़े का शेप दीजिए और बीच में मैंने कर दिया है होल। तो इसी तरीके से हमें सारे वड़े बना लेना है। और चावल के आटे की जगह आपको बताया, आप सूजी भी ले सकते हैं क्योंकि सबके पास चावल का आटा नहीं रखा होता हमेशा और सूजी तो होती ही है। अब इस सारे डो के भी वड़े मैं बना लूँगी। यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल गरम कर लिया है, अब हम इसमें वड़े फ्राई करेंगे। तो मैं इसमें वड़े डाल देती हूँ और शुरू में तो आपको ऑयल अच्छे से गरम करना है, फिर लो फ्लेम कर देना है और मीडियम से लो के बीच में आप इसे फ्राई करेंगे तो ये कुरकुरे बनेंगे। तेज फ्लेम पे या हाई फ्लेम पे आपको फ्राई नहीं करना है, लो टू मीडियम कीजिए। बहुत ही कुरकुरे और बहुत ही टेस्टी होंगे, आपको बहुत पसंद आएंगे। तो देखिए, वड़े मैंने डाल दिए हैं और फ्लेम मैंने यहाँ पे लो कर दिया है और अब इनको धीरे से पलट देंगे। तो अलटते पलटते हुए हमें इन्हें ब्राउन सेक लेना है। और ज़्यादा करारे खाने हैं आपको तो और ज़्यादा कुरकुरे कर लीजिए, वैसे आप लो टू मीडियम फ्लेम पे सेकेंगे तो ये बहुत ही कुरकुरे बनेंगे। और ये वड़े जो हैं बहुत कम तेल सोक करते हैं, हम प्याज के पकोड़े वगैरह बनाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल सोक करते हैं वो, लेकिन ये उतना ऑयल सोक नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हमने राइस फ्लोर डाला हुआ है। तो बहुत ही कम तेल में आपके सारे वड़े फ्राई हो जाएंगे और कम तेल में होंगे इसलिए थोड़े हेल्दी होंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमारे वड़े ब्राउन हो गए हैं, कुरकुरे हो गए हैं। तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं, सारे वड़े निकाल लूँगी मैं इसी तरीके से। दूसरी ट्रिप में भी फिर मैं वड़े डालूँगी, उन्हें भी फ्राई कर लूँगी। तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए और मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोग भी ये वड़े बना पाए। और मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक तो बनता है। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ।